नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। सेवराई तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले राम मंदिर को दुकानदारी बताने तथा आस्था को गलत बताने वाले नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध गहमर थाना में धार्मिक भावनाओं को फैलाने के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष गहमर पवन कुमार उपाध्याय द्वारा बताया गया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष भदौरा के तहरीर पर नायब तहसीलदार के विरुद्ध धारा 298 और 505 और उसकी उपधारा 2 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंदिर को दुकानदारी बताने वाले नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध गहमर थाना में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व शत्रुता, घृणा व वैमनस्य की भावना पैदा करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां तत्कालीन नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर बीते 17 जनवरी को सेवराई तहसील मुख्यालय के पब्लिक प्लेस पर अपना हिम्मत दिखाते हुए देवी देवताओं और मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों का विरोध करते हुए मंदिर में पूजा करने वाले और आस्था रखने वाले लोगों को बेवकूफ बता रहे थे। इन जब बातों पर मीडिया की नजर पड़ी तो अपने कैमरे में कैद करते कुछ सवाल किए, जिसका उन्होंने बड़े ही बेअदबी से जवाब देते हुए कहा था कि मंदिर में आस्था रखने वाले लोग बेवकूफ हैं, अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर दुकानदारी है। मीडिया में खबर आने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष भदौरा हरिओम सिंह द्वारा 19 जनवरी को गहमर थाना में नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दिया था। इस संदर्भ में थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के बाद जांच उपरांत भारतीय दंड संहिता की धारा 298, 505 के उपधारा 2 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे बेखौफ आज तक से।